अस्सलाम वालेकुम बद्र भाई जी। बद्र भाई क्या हाल है जी? बद्र भाई ये चारा काटने वाली मशीन आपने डस्का सोप भी एग्रो मशीन से लेके आए हैं, तो ये आपने लूसन की कटाई की है, तो किस तरह की कटाई हुई है? ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो बंदे आपके ट्रेन हो गए, कोई मुश्किल थी नहीं इसको चलाने की? नहीं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वैसे भी ये एक हफ्ते में कोई भी मशीन है वो आस्ता आस्ता एक दिन के बाद वैसे ही समझ आ जाती है। ठीक है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है। तो बकायद के साथ कटाई अच्छी हुई है जी, माशाल्लाह बेहतरीन। तो इसको चलाना कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है। ये लड़का चला के आया तो ये तो कह रहा बस छोड़ दे, बस मुझे पता क्या। तो सर भैया आपने कटाई की किस तरह की लगी आपको कटाई? जी बिल्कुल, चलाना मुश्किल तो नहीं है? नहीं नहीं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हमारे डेयरी फार्म भाई जो जिनके पास 100 से अब जानवर है, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत बेहतर है, टाइम की बचत है, लेबर मिल नहीं रही, ठीक है, बेहतर है, सही है। अभी तकरीबन इधर जो चल रहा है वो लूसन की कटाई जो है, अगर लेबर से कटवाएं तो 15,000 रुपये, ठीक है, दो तीन दिन में काटेगा। सही सही, ये बहुत बेहतर है। ठीक है, तो ये आपने मशीन किस जगह से लेके आए हैं? ये डस्का से ऑर्डर किया। ठीक है, ऑनलाइन मंगवाई है आपने? ऑनलाइन ऑनलाइन, मैंने पहले ही आपकी तरफ ना ट्रांसफर कर दिए थे। ठीक है, ट्रस्ट है आप पे। ठीक है, तो जो सर्विस वगैरह आपको बताई है वो आपको प्रोवाइड की है सर? बाकी कोई शक नहीं। तो आज जो आपने पेमेंट करवाई उसी वक्त आपके पास मशीन? उसी वक्त आईडिया नहीं था लेकिन आप आ गए। ठीक है, तो अभी फिर ये अभी आपने चलाई है, अगर कोई मसला हुआ तो ये नंबर हमारे लिखे आप रब्ता कर लीजिए। तो ये किस कौन सी जगह है? ये जिला गुजरात गाँव का नाम है। ठीक है, बहुत मेहरबानी सर।